हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह सुबह के नाश्ते के साथ। तो हुआ कुछ यूँ ही कि जैसे दो तीन व्लॉग पहले आपको मैंने एक झटपट सी दाल दिखाई थी, तो वो दाल खा कर कुछ हिस्सा उसका बच गया था। तो दाल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी ज़ाया नहीं करते, हम से मुराद मैं, क्योंकि मुझे इसके पराठे बहुत पसंद हैं। तो बस आज मेरा इरादा यही था कि मैं नाश्ते बनाऊँगी दाल वाले पराठे, और इसकी रेसिपी ना मैं पहले भी दे चुकी हूँ, तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 3 या 4 पेड़ों जितना आटा लिया था, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाला था, बारीक कटी हुई जो है ना पीसी हुई समझे, मैंने उसके अंदर हरी मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून के करीब, बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और मैंने कलौंजी और डाले साथ अजवाइन, टोटली ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ हाजमे के लिए डाली। आपका दिल चाहे डालें, नहीं दिल चाहे ना डालें। और उसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना दाल इसके अंदर अच्छी से मिक्स कर दिया, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और दाल मिक्स करने के बाद जितनी हमें गुंजाइश होगी बाकी हम इसे पानी से गूंद लेंगे। तो आटा जी गूंद के मैंने साइड पर रख दिया था, और उसके बाद जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने ना किचन में कुछ फ्लावर पॉट एडजस्ट किए हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो अब बस मैंने उनको धो धा के साइड पर रखा था। रात को मैं धो के सोई थी और इस टाइम तक वो बिल्कुल ना सूख चुके थे सुबह का जो टाइम था। तो जी इनको मैंने इनके जो पोर्ट्स हैं उसमें अरेंज कर दिया, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो ट्रॉफ़ीज़ कुछ मैंने ली थी और कुछ इन्होंने, तो वो काफ़ी अरसा पुरानी हो चुकी हैं, तो उनके जो ये नीचे वाले पोर्शन थे ना, ये अब मतलब बिल्कुल ट्रॉफी से जुड़ नहीं रहे थे। मैंने 2-3 दफ़ा एडजस्ट करके देखे लेकिन वो सही नहीं थी, तो इस वजह से ना मैंने इनके नीचे वाले पोर्शन को ज़ाया नहीं किया ट्रॉफ़ीज़ के, उसके अंदर इस तरह फ्लावर अरेंज कर दिए, तो बड़े ही खूबसूरत से ना और अच्छे से वो फ्लावर पोर्ट बन गए। तो जो 150-200 के आप बाहर से ख़रीदते हैं सेम उसी काइंड के, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ट्रॉफ़ीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं और वो ऊपर से टूट गई हैं या अटैच नहीं होती, तो उनको आप इस तरह जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइडिया खैर मैं पहले भी दे चुकी थी, तो आज मैं ये काम कर रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो बस अब मैंने खाने के साथ जी बना लिया था स्क्वाश। होता यही है कि यहाँ तो लस्सी बनती है, मतलब स्टफिंग वाले पराठे हों इस तरह फिलिंग वाले, यहाँ कोई जूस वगैरह होता है, तो लस्सी का ये टाइम नहीं था, मतलब दही आज था नहीं, तो मैंने बना लिया साथ जो है स्क्वाश। हाजिक भी खुश हो जाएगा, कुछ ये था कि हाजिक भी थोड़ा जल्दी आ गया था आज स्कूल से, तो उसके लिए मैंने सिंपल पराठा बनाना है, क्योंकि उसे कोई फीलिंग कोई स्टफिंग वाले पराठे पसंद नहीं, उसे हर वो चीज़ नहीं पसंद जिसके अंदर कोई चंग वगैरह फील हो, जैसे कि इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें हरा धनिया वगैरह थोड़ा बहुत जो आपके मुँह में आएगा तो आपको पता लगेगा। तो जी सिंपल पराठा खा लेगा, भड़े इसकी पसंद का सालन हो ना हो अचार साथ खा लेते हैं, पर ये इस तरह के फिलिंग वाले पराठे ना पसंद नहीं करता। तो ये जो है ना एक आलू वाला पराठा, एक दाल वाला और एक चीनी वाला, ये समझ लें कि हमारी चाइल्ड होल्ड मेमोरी में से है, हम तो बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बल्कि स्कूल लंच में भी ले जाते थे। तो आजकल के बच्चे बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, ये तो बिल्कुल ये कोई फिलिंग वाला कोई भी पराठा नहीं खाते, चीनी वाला तो मैं खैर इनको देती नहीं हूँ दांतों की वजह से, और ये वैसे दाल शाल वाला हाजिक पसंद नहीं करता। आलू का हाँ फिर भी कभी इसका मूड हो तो ये खा लेता है बहुत शौक से। तो बस नाश्ता खा के मैं थोड़ा सा फारिग हुई थी, ये जो बोतलें थी ना मेरे पास शेज़ान वाली काफ़ी पड़ी हुई थी, कुछ तो मैंने इनकी चीज़ें बना के आपको बताया था कि मैंने रखी भी हैं घर में इधर उधर, मतलब डेकोर किया, और कुछ ये 4-3 बोतलें ना अलग से पड़ी हुई थी जिनके टैग उतारने काफ़ी मुश्किल आपको लगते होंगे। अच्छा मैंने भी जब ये शुरू में ली थी ना उस टाइम फ़ौरन धो के मैं इसके टैग मतलब के स्क्रैच करके उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सारे ना निशान बढ़ते जा रहे थे। मैंने 1-2 मतलब के ट्यूटोरियल भी सर्च किए कि किस तरह होते थे, लेकिन कहीं भी ना ये बात नहीं थी। तो फिर मैंने गौर किया कि जब मैं सीख लूँगी तो मैं ज़रूर लोगों को बताऊँगी कि किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। ये चीज़ें बहुत बेमायने सी होती हैं, लेकिन कभी कभी वाकई कोई ये चीज़ सर्च कर रहा होता है, जैसे कि मैं कर रही थी, कि मुझे पता लगे कि इनके टैग अच्छे से कैसे रिमूव हो जाते हैं। तो बस मैंने इनको ना सुबह से एक पानी में भिगोया हुआ था, और अब आप देख लें कि जैसे मैंने निकाला तो बहुत ही आराम से इनके टैग रिमूव हो गए और बोतलें बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। तो साथ ही बस मैंने मिन्हा के भी फीडर जो है दोनों बॉयल करने थे, क्योंकि अभी इनके सोने का टाइम था, खाना खाने के बाद दोपहर को ना इनके सोने का टाइम हो जाता है, बस मैं जल्दी से दोनों फीडर बॉयल कर लूँगी और इनको सुला के ना मैं अपने बोतल का जो काम है ना वो करूँगी। आज मैं बड़ी अमेजिंग सी ना बोतल का क्या कहते हैं हैंगिंग कुछ बनाने वाली हूँ, तो आप देखिएगा, और अगर आप लोगों के पास शीशे की या प्लास्टिक की कुछ इस स्टाइल की बोतल है तो ज़रूर बना लीजिएगा।
अब जी चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। बस मैंने ना ये जो क्या कहते हैं इसे, कॉटन का धागा कहते हैं या कॉटन की लच्छी, ये मैंने लच्छी ली थी 40 रुपये की आम मार्केट से, वाइट कलर की। वही है ना, कभी कभी आप चीज़ ढूंढो तो मिलती ही नहीं है और कभी आपको एक नज़र में वो चीज़ मिल जाती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे इस टाइप की जो जिससे मकराने वगैरह नहीं बनते, वो थोड़ी मोटी होती हैं, ये समझें वही है पर थोड़ी पतली स्टाइल में, तो ये मुझे आराम से जहाँ से मैंने अपने टेबल का प्लास्टिक लिया था ना उसी दुकान पे साइड में पड़ी मिल गई। और पता नहीं ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, शायद चारपाइयाँ वगैरह के लिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ बॉटल डेकोर करने के लिए चाहिए थी। तो मैंने इसका छोटा सा पीस काटा है और जहाँ बॉटल की नेक है ना नीचे, वहाँ मैंने इसको इस तरह से ना डबल मतलब के टाई कर दिया, अच्छा सा गिठान लगा दिया, और जो एक्स्ट्रा इसका पार्ट था ना वो मैंने क्या कर दिया, कैंची की मदद से काट दिया। अब मैं लंबे लंबे से तकरीबन 4 जो है ना डोरियां काटूंगी और फिर मैं उसका क्या प्रोसेस करूंगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें 4 जो है आराम से आपने बोतल की विड्थ के हिसाब से डोरियाँ लेनी है। अगर तो बोतल इससे बड़ी है तो आप 5 से 6 भी डोरियाँ ले सकते हैं। मेरे पास बोतल आप देख लें बहुत छोटी सी एक जूस वाली बोतल है, तो मेरे पास 4 जो डोरियाँ ना वो इनफ होंगी। तो उसको कुछ इस तरह से ना इसकी मदद से मैं इसको डिज़ाइनिंग बनाऊंगी। अब आप देख लें, मुझे लगता है कि समझाने में ना काम थोड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, तो देखने से ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस अंदाज़ से बना रही हूँ। बस मैं थोड़ा सा नेक को ऊपर करके उसके अंदर से डोरी ना स्टाइल चेक करके इस तरह से गुजार रही हूँ कि वो उसके अंदर आराम से एडजस्ट हो जाए। चारों डोरियों को ना मैं इसी तरह इस नेक के अंदर से गुजारूँगी। इधर पता हो क्या रहा था, बोतल थी छोटी और वो बार बार स्लिप कर रही थी। आपने इसके नेक वाले पार्ट को ना क्या करना है कि UHU की मदद से जोड़ लेना है। तो मैंने UHU की मदद से आखिर में जोड़ा था, क्योंकि ट्रिक मुझे बाद में आई थी, मैं आपको भी बता रही हूँ। जब आप बनाना शुरू करें तो इसके नेक वाले पार्ट को जोड़ लें, तो इसकी वजह से डोरियाँ बार बार अलग अलग नहीं होंगी। सारे डोरियों को ना अंदर डाल के पहले मैंने तकरीबन 1-1 इंच के गैप से ना गिठान लगाई है, और फिर एक डोरी जैसे कि दो दो का हिस्सा है, तो एक एक पार्ट को पकड़ के मैं एक दूसरे के साथ इस तरह टाई कर दूँगी, तो वो एक डिज़ाइन सा बनता जाएगा। सारी डोरियों को एक दूसरे के साथ एक एक पकड़ के इस तरह से हमने टाई कर देना है और फिर उनसे बिल्कुल नीचे तक ले जाना है। तो ये बिल्कुल इसके ऐसे ना इर्द गिर्द बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। और सारी डोरियों को ना मतलब एक एक को इस तरह पकड़ के आपने इस तरह गिरा लगा लेनी है, तो बिल्कुल जब दूर लटकेगी ना तो ये ऐसे ही लगेगी कि जैसे हम बड़े बड़े, मुझे अभी नहीं याद कि अभी मैंने किसी के घर वो देखे भी नहीं है जिसे मकराने वगैरह कहते हैं, जो हम रूफ़ पे लटकाते थे उसके अंदर कोई लैंप वगैरह या कोई फूल वगैरह रखते थे, या ख़ुद ही वो थोड़ा फैंसी सा होता था मोती शोती से इस तरह उसको जोड़ लेते थे। तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न की ना ये हमने बॉटल बना ली है। ये देखें सारी को मैंने जो है ना इस तरह एक एक करके गिठान लगाई है, और नीचे का जो हिस्सा बचा था ना इसको आपने रबर बैंड से या किसी भी हाथ की मदद से ना इसको अच्छा सा टाई कर लेना है। तो मेरे पास सिस्टम जो है ना ब्लैक कलर का ही रबर बैंड अवेलेबल था, वक्ती तौर पर मैंने जो है इसको ब्लैक कलर के रबर बैंड से अच्छा सा ना गिठान टाइट करके लगानी है, और फिर जो है ना ये जो इसके अलग अलग से पार्ट हो रहे हैं ना नीचे, इनको एक जैसा काट के अलग अलग कर देना है, तो वो धागे धागे से लटकने लग जाएंगे जो कि बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें एक जो है ना हमारा क्या कहते हैं पोर्शन या एक जो है स्टेप वो हो गया है कम्प्लीट, और ये मैं यहाँ UHU लगाऊंगी नीचे ताकि वो अच्छा सा इसके साथ चिपक जाए, और ऊपर नेक जो मैंने सबसे पहले बनाई थी ना मैं वहाँ UHU लगाऊंगी। अब मैं इसके हैंगिंग के लिए 2 बड़ी सी डोरियाँ लूँगी और उसको यूँ अपोजिट साइड में रख लूँगी, तो उसको कुछ इस तरह की मदद से ना हमने मतलब एक डोरी को ऊपर से और एक नीचे से गुजारना है, तो वो एक नोट सी बन जाएगी, और उसके दरमियान हमने बॉटल को एडजस्ट करना है, और यहाँ भी हम लगाएंगे UHU ऊपर भी, ताकि ये जो इसका लटकाने वाला हिस्सा है ना ये लूज़ हो और ना ये बॉटल से गिरे, और आराम से ये जो है ना हैंग हो जाए। अब आप इस बॉटल के अंदर कोई भी मनी प्लांट, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर, कहीं भी किसी भी वॉल पर हैंग कर सकते हैं, और ये यकीन माने कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखें नीचे के धागे मैंने खोल लिए थे और मैंने इसके अंदर मनी प्लांट पानी डाल के रख दिया है,
और आज की वीडियो को मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।